कहा कि वर्दी द्वारा लगातार रिश्वत मांगने के आरोप थमने के नाम नहीं ले रहे, जहां एक बार फिर रूबी देवी पुखराया निवासी पीड़िता ने कानपुर नगर क्षेत्र के सचेड़ी थाने के थाना अध्यक्ष दिलीप सिंह पर कार्यवाही के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में फरियाद लगाई। पीड़िता ने बताया कि आज से 10 महीने पहले उसके पति अमित कुमार अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटने के दौरान रनिया के पास ट्रक से एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जहां ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। आपको बता दें कि मृतका की पत्नी ने सचेड़ी थाने में आरोपी ट्रक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जहां थाना अध्यक्ष दिलीप सिंह ने पीड़िता से आरोपी ट्रक को पकड़ने के नाम पर 5,000 रिश्वत ली थी, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी ट्रक को बरामद कर लिया और पीड़िता से कार्यवाही के नाम पर फिर 15,000 रुपए अतिरिक्त रिश्वत की मांग की, जहां पीड़िता ने रुपए देने में असमर्थता जताते हुए आरोपी ट्रक के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा तो थाना अध्यक्ष सचेड़ी आग बबूला होते हुए पीड़िता से बोले कि मैं सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन में अगर आप रुपए नहीं देते तो मैं ट्रक आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा, मुझे ट्रक पार्टी 1.5 लाख रुपए दे रही है। जब पीड़िता द्वारा 15,000 रुपए और नहीं दिए गए तो 10 महीने गुजर जाने के बावजूद थाना अध्यक्ष दिलीप सिंह ने अभी तक ट्रक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही भी नहीं की, जिसे परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मासूम बेटी समेत अपने पिता के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार पहुंचकर सचेड़ी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए आरोपी ट्रक के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर फरियाद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाली है? आज कहाँ पे आई है? क्या मामला है? न्याय मांगने आए, हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ सचेड़ी थाने के पास में, तो वहाँ सारा मामला हमारा वहीं पर है सचेड़ी थाने, और इसकी वजह इतना दिलीप कुमार इंस्पेक्टर कर रहे थे, तो उनसे हम न्याय मांगने गए तो उन्होंने हमें मना कर दिया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम अपने मैके चले आए, और उससे पहले हमसे पैसे मांगे थे 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये ले लिए मांग रहे थे, हम जब देने गए तो उन्होंने हमें मना कर दिया, कहने लगे अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो गाड़ी पकड़ी गई? जी हाँ, पकड़ी गई थी वो गाड़ी, और उसके बाद उन्होंने छोड़ भी दी है, गाड़ी छोड़ दी, कहने लगे वो लोग चले गए, और उसके बाद फिर पार्टी वालों का फ़ोन आया था, वो कहने लगे कि आप समझौता कर लीजिए, हमने कहा हम समझौता नहीं करेंगे, हमारा केस कोर्ट में पहुँच गया, तो वो कहने लगे कि केस कोर्ट में पहुँच गया है, कोई बात नहीं, हम समझौता करने के लिए तैयार है, आप समझौता कर लीजिए, तो हमने मना कर दिया, हमने कहा हम समझौता नहीं करेंगे। आपसे रुपए की मांग की गई, उसके बाद जब रुपए आप नहीं दे पाए तो आपको समझौते दबाव डाला गया है? जी, हम नहीं करते। सचेंडी इंस्पेक्टर? जी सचेंडी इंस्पेक्टर दिलीप सिंह। क्या नाम है आपका? दुलारे वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुखराया शिवाजी के नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से आप कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के जनता दरबार में फरियाद कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला हमारे दामाद का है, हमारे दामाद का एक्सीडेंट हुआ था 16 अक्टूबर 2021 में, जो अपनी बहन के शादी के कार्ड वो बांटने रनिया की तरफ आ रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी किसान नगर नहर से 50 मीटर पहले कानपुर की साइड में, तो उनकी मौत हो गई दामाद की, और उनके दादा गाड़ी चला रहे थे। अब इसके 3-4 दिन बाद जब हमने FIR उनके दादा ने कराई, अमित के दादा ने, तो मामला अभी तक जो है कोई भी सुलझा नहीं है, 10 महीने होने को जा रहे हैं और अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई। जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमसे कुछ पैसे की मांग रखी। कितने रुपए की मांग की थी? पहले उन्होंने 5,000 रुपए की मांग रखी हमसे, कि हमें गाड़ी पकड़ने के लिए जाना है, गाड़ी मालिक को पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे। आपने 5,000 रुपए दिए? 5,000 मैंने 8 जून को इनको दिए थे, ये लोग गए हों या ना गए हों, जैसे भी गाड़ी लाए हों ये गाड़ी ले आए, गाड़ी इन्होंने हमको दिखाई 3 अगस्त को, 3 अगस्त को इन्होंने हमसे 15,000 रुपए की मांग की। हमें बिटिया के पित्त की थैली में पथरी भी है, उसका भी ऑपरेशन करवाना था, इधर इनकी मांग थी, हम इन्होंने 2 दिन का हमको समय दिया कि 2 दिन में आप इंतजाम करके आइए,
हम दो दिन में नहीं पहुंच पाए, हम 17 तारीख को 10,000 रुपये लेकर गए। इनसे जब मिले तो इन्होंने कहा भाई समय हो चुका है, अब आपका कुछ काम नहीं हो सकता है। और अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, कोई छुपी हुई बात है नहीं, हमको न्याय मिलना चाहिए। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है उनका इंस्पेक्टर का जो विवेचक अधिकारी है? वो है दिलीप सिंह। किस थाने का मामला है? थाना सचेंडी। आपके मृतक दामाद का नाम क्या था? अमित कुमार। आपकी बेटी का नाम? बेटी का नाम रूबी देवी, उसकी एक 6 साल की बेटी भी है।